अमेज़न प्राइम वीडियो नॉट प्लेइंग एरर आ रहा है, चाहे आपको मोबाइल में आ रहा है, लैपटॉप में या फिर टैबलेट में, कहीं पर भी आ रहा है, प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल जाएगा वीडियो में दोस्तों, लास्ट तक बने रहिए। चलिए सबसे पहले मोबाइल की बात करते हैं। आपको अगर प्राइम वीडियो ऐप में इस तरह का एरर आपको दिख रहा है तो सबसे पहले आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपको प्राइम वीडियो सर्च करना है। यहाँ पर आपको प्राइम वीडियो आ जाएगा। अगर अपडेट मांग रहा है ऐप तो दोस्तों आपको इसको अपडेट कर लेना है, और आप चाहे तो इसका बेटा प्रोग्राम भी ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए नीचे ज्वाइन का ऑप्शन आ रहा है, अगर आप इसको ज्वाइन कर लेते हैं तो इस ऐप के जो लेटेस्ट फ्यूचर्स आने वाले हैं वो आपको सबसे पहले मिल जाएंगे, और ये दोस्तों फ्री में मिल जाता है, इसका कोई चार्ज नहीं लगता है। चलिए हम भी ज्वाइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए हमने इसको ज्वाइन कर लिया। अभी दोस्तों दूसरा मेथड यहाँ पे बताऊंगा इस प्रॉब्लम को कैसे ठीक करना है। एक बार आप प्राइम ऐप में जाके चेक कर लीजिए आपका प्रॉब्लम ठीक हुआ कि नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ तो चलिए दूसरा तरीका बताता हूँ। सबसे पहले दोस्तों आपको प्राइम ऐप को यहाँ पे इस तरह से सर्च कर लेना है, फिर उसके ऊपर उंगली रख के आपके होल्ड करना है। जैसे मैं यहाँ पे होल्ड कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं, तो आपको यहाँ पे होल्ड करना है। इस पे इसके ऊपर बहुत सारे ऑप्शन आएंगे आपके सामने। ऐप इन्फो में चले जाना है, और यहाँ पे स्टोरेज यूजर्स में जाओगे, और यहाँ पे आपको क्लियर कैच और क्लियर डेटा कर देना है। लेकिन एक बात का ध्यान रखो, अगर दोस्तों यहाँ पे आप क्लियर डेटा कर देते हैं तो आपको दोबारा अपने अकाउंट को प्राइम वीडियो में लॉगिन करना पड़ेगा, और जितनी भी मूवीज़ आपने डाउनलोड की थी वो सारी वहाँ से डिलीट हो जाएगी। तो सोच समझ के एक बार आप यहाँ से कर लीजिए। अगर प्रॉब्लम आ रहा है तो आपको करना ही होगा भाई, मूवीज़ आप दोबारा डाउनलोड कर लेना, ठीक है? तो यहाँ पे क्लियर डेटा कर लीजिए। तो इतना चीज़ आपको कर लेना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपने मोबाइल को स्विच ऑफ कर लेना है। स्विच ऑफ करने के बाद आपको ऑन करना है, फिर वापस आपको प्राइम वीडियो में लॉगिन करना है, फिर आपको देखना है इस तरह का प्रॉब्लम दोस्तों 90% लोगों का यहाँ पे सोल्व हो जाएगा। चलिए बताता हूँ, अगर फिर भी अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व नहीं हो रहा है तो आप क्या करेंगे। आपको जाना है प्राइम वीडियो ऐप के अंदर, और प्रोफाइल सेलेक्ट कर लीजिए। फिर प्रोफाइल के अंदर जाना है, ऊपर प्रोफाइल में जा रहा हूँ। आपको दोस्तों कस्टमर केयर में बात करनी होगी, वो लोग आपकी हेल्प कर देंगे वहाँ से। कभी कभी दोस्तों ऊपर से कोई प्रॉब्लम है, बग है, या फिर ऊपर से कोई टेक्निकल एरर है जिसकी वजह से आपको नहीं दिख रहा, तो कस्टमर केयर में आप बात करोगे तो वहाँ से प्रॉब्लम सोल्व कर दी जाती है। तो आपको सेटिंग्स में जाना है। सेटिंग्स में जाने के बाद नीचे आपको स्क्रॉल डाउन करना है, हेल्प एंड फीडबैक में जाना है, और उसके बाद थोड़ा सा नीचे वापस स्क्रॉल डाउन करोगे, यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस का एक बटन आ रहा है, स्पीक विथ ऐसा कुछ आ रहा है, इस बटन पे आपको क्लिक करना है। जैसे इस बटन के ऊपर आप क्लिक करोगे, योर नंबर यहाँ पे नीचे पूछ रहा है, तो यहाँ पे आपको कोई भी 10 डिजिट नंबर आपको इंटर कर देना है। 10 डिजिट नंबर डालने के बाद कॉल मी नाउ बटन पर आपको क्लिक करना है, तो जो भी आपने नंबर इंटर किया है उस नंबर पर दोस्तों तुरंत कॉल आ जाएगा, IVR से कॉल आएगा। आपको हिंदी है इंग्लिश लैंग्वेज आपको सिलेक्ट कर लेने हैं, उसके बाद दोस्तों आप कस्टमर केयर में बात कर पाओगे। वहाँ पर आपको अपना प्रॉब्लम बताना है कि आप कहाँ पर इस तरह का एरर आपको आ रहा है, मोबाइल में आ रहा है, लैपटॉप में आ रहा है, टेबलेट में आ रहा है, कहाँ पर आ रहा है। दोस्तों अगर आपको सिर्फ मोबाइल के अंदर ही आ रहा है तो आप एप्लीकेशन के अंदर कोई प्रॉब्लम हो सकता है। अगर आपको कोई मूवी देखना है तो आपको दोस्तों किसी ब्राउज़र में चले जाना है। यहाँ पे मैं प्राइम वीडियो लिख देता हूँ, और जैसे मैंने प्राइम वीडियो लिख दिया, primevideo.com पर चला जाता हूँ, और यहाँ पर आपको डेस्कटॉप मोड चालू कर देना है। तीन डॉट पे क्लिक करना है, राइट साइड में डेस्कटॉप मोड यहाँ पे दोस्तों चालू कर दूंगा, ठीक है? जैसे मैं डेस्कटॉप मोड यहाँ पे चालू कर देता हूँ, यहाँ पे देखिए प्रोफाइल आइकन आ रहा है, और प्रोफाइल आइकन पे क्लिक करके साइन इन पे क्लिक करूँगा। और अगर आपको देखना ज़रूरी है दोस्तों तो आपको साइन इन कर लेना है, ठीक है? तो साइन इन करके आप वेबसाइट के ऊपर आराम से देख पाओगे, जिस भी मूवी को देखना चाहते हो बिल्कुल आप देख पाओगे। हो सकता है टेम्पररी कोई प्रॉब्लम आ गया हो एप्लीकेशन के अंदर, जिसकी वजह से आपको इस तरह का प्रॉब्लम देखने को मिल रहा, तो एक बार दोस्तों कस्टमर केयर में आपको ज़रूर बात कर लेनी है। तो ये सारे तरीके थे दोस्तों, एक ही जगह ये सारे प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी, शायद मोबाइल में हो सकता है। मोबाइल में ज़्यादातर प्रॉब्लम्स होता है क्योंकि कभी इसका डेटा क्लियर करना रहता है, तो कभी इसको अपडेट करना रहता है। पुराने वर्जन्स अगर आप चला रहे हो तो उसके अंदर आपको प्रॉब्लम देखने को मिल सकता है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ यार कॉमेंट करिए अगर आपका प्रॉब्लम सोल्व हो गया, और सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ऐसे अच्छे वीडियो में यहाँ पे लाता रहता हूँ। चलिए गाइस मिलेंगे आने वाले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, अपना ख्याल रखना।